हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज है छठी और इसलिए मैंने सोचा चलो हम ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि ये मेरा व्रत जो है वो मैं कैसे करती हूँ आज का कंप्लीट। तो अभी तो सुबह हो गई और बस ऐसे ही सारा काम हो रहा है जो सुबह का होता है डेली का। वैसे शांति थी तो मैंने कहा चलो पहले ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद अपना काम करते हैं। गैस मैंने साफ़ कर दी है, बस अब पोछा लगा के और आगे का जो काम बाकी वो मैं करूँगी। और मेरे मुंह में छाले हो गए हैं तो सो बोल नहीं पा रही हूँ, इसीलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, आप मैनेज कर लीजिएगा। और अभी तो बस सुबह तेज हो जाए, उसके बाद आगे बहुत सारा काम बाकी है, बहुत सारा काम है जो करना है अभी। तो पूजा की तैयारी भी करनी है, इसमें हम दिखाएंगे आपको क्या क्या कैसे करना है। तो अगर रिकॉर्ड हो पाया तो, क्योंकि मैंने ब्लॉग तो स्टार्ट कर दिया है लेकिन मुझे नहीं पता कि कंप्लीट हो गया या नहीं, इसीलिए। तो अभी मैं अपना काम कर लूँ और आपसे बहुत सारी बातें करनी है, इसके बारे में बताना भी है छठी क्यों रहा जाता है, कैसा क्या होता है, तो कैसे क्या होता है, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद में बताऊँगी। अभी मैं अपना काम कर लूँ, ठीक है। और इन सबको देखो, आओ 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 आओ, ये देखो एक साहब ये है और एक साहब ये आए हैं, इनका बाल खुला हुआ है। बैठो बैठो बैठो, हटो। अभी मैं बना रही हूँ दोना और आप देख सकते हो ये है महुआ का पत्ता और ये सेकी होती है जो झाड़ू हम लोग गांव में जिससे झाड़ू लग मतलब बनाते हैं और जो भी मतलब साफ़ वाली जो होती है उससे इसे हम आज के दिन दोना बनाते हैं क्योंकि ये बाहर मिल जाती है। तो आप देख सकते हो मैं फटाक टाक मतलब जल्दी जल्दी से बना रही हूँ, इतनी जल्दी नहीं बन जाता जितनी जल्दी दिखा रही हूँ। और मेरा बाबू परेशान कर रहा है, वो कुछ मांग रहा था तो मैं उसे बोल रही थी कि ले लो सामने है, और दरवाज़ा बंद हो जाता है ना तो बहुत ज़्यादा रोने लगता है, इसलिए मैं हाथ से उसे पकड़ी थी ताकि बंद ना हो। तो ऐसे ही हम इसमें जो पूड़ी और तिन्ने का चावल दही और महुआ रखते हैं इसी में माता जी को, तो इसीलिए हम बना रहे हैं। और हम जैसे मेरे दो बाबू हैं तो दोनों के लिए छठी मैया के लिए 6 और 6 बाबू के लिए मतलब 12 और 6 जोड़ी रखा था, तो मतलब 12 लक्ष्य बाबू का और 12 ही देव बाबू के लिए, तो 24 ये और 6 वो तो मुझे रखना था, इसलिए मैं बना रही हूँ। और आप देख सकते हो ये बन गया मेरा सारा दोना, तो मैंने टोटल 31 या 32 दोना बनाया हुआ था ताकि कम ना पड़े, ज़्यादा हो जाए वो अच्छी बात है। तो उसके बाद मैं अपना आगे का काम करूँगी, उसके बाद मैं लिपाई कर रही हूँ गोबर से। और प्लीज़ मेरी साड़ी को ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि बस मेरे दिमाग में आया कि कर लूँ, दिखा दूँ आपको कि गांव में हम गोबर से लिपाई करते हैं कैसे। और हाँ, गोबर से लिपाई करना एक शुभ माना जाता है हमारे हिंदू धर्म में, तो इसीलिए गोबर से लिपाई करना ज़रूरी है। अगर कोई त्यौहार हो तब ज़्यादा खास है उस दिन का लिपाई करना, तो नवरात्र या कुछ भी हो तो आज छठी मैया है, छठी है तो छठी के दिन पूरे घर में लिपाई होती है। तो वैसे तो मेरा घर सारा घिरा हुआ है आप सबको पता ही है, लेकिन जितना भी है हम वहाँ पे लिपाई कर रहे हैं। और मेरा कमरा जो है आप सामने देख सकते हो कैसा, तो उसमें फर्श पड़ी है तो वहाँ पे लिपाई करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो बस मैंने पोछा लगा लिया था, हम बाहर लिपाई कर रही हूँ गोबर से। और मेरी साड़ी जो है वो गंदी हो चुकी है तो उसे इग्नोर कीजिएगा, ये कमेंट में मत बोलिएगा कि आपकी साड़ी तो गंदी हो गई ऐसा वैसा, क्योंकि मुझे इसके बाद नहाना ही है सिर्फ। और मेरी जबान अभी भी सही नहीं है, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो क्योंकि आपको बताया था वीडियो में भी बताया है मेरे छाले हो गए हैं तो इसीलिए, ठीक है। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। लिपाई करने के बाद मैं नहा चुकी, नहाने के बाद मैं नहाई नहीं थी उसके पहले सारा ये मतलब सब इकट्ठा करके सामान रख लिया ताकि मुझे नहाने के बाद ज़्यादा इधर उधर कुछ करना ना पड़े, नहीं तो नहाने के बाद बाबू को मैं नहीं देख सकती थी। इसीलिए फूल, तिन्ने का चावल और ये है दही
महुआ, और ये जो पहले दिखाया बड़े कटोरे में, ये था तीने का जो पिसा हुआ होता है वो, और ये है दोना। तो ये भी सारा काम हो गया है, मतलब तैयारी सारी हो गई है, और अब मुझे नहाना है। और आज मेरी जो हालत है ना, वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि मैंने सारा कुछ निकाला हुआ है। रात में मैंने वीडियो शूट किया था, एक मेकअप वीडियो, और उसके बाद सारा कुछ निकाल दिया। तब से मैं अभी कुछ पहने भी नहीं हूँ, क्योंकि अभी सुबह से उठी हूँ, जब से उठी हूँ तब से सारा काम ही है। मैं काम कर रही हूँ, अब काम करने के बाद अब मैं जा रही हूँ, ये किसे मालूम है क्या है इतनी बड़ी जादू। तभी मैं इस जो नीचे का पार्ट है इसे निकाल दूंगी, उसके बाद करूंगी। तब ये है दतून, और ये है महुआ। ये महुआ का जो पत्ता होता है ना, उससे दोना बनाया गया है। तो मैंने बनाया है, बनाने गया, मैंने बनाया है, दोना बनाया हुआ है। तो अब देख सकते हो इस तरह से बनाया है, और उसमें से जो निकलता है ना, उससे दतून होता है। आज का दिन जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, खासकर हम जैसी माँओं के लिए। तो मैं अभी जा रही हूँ दतून करने। दतून करने के बाद नहाऊंगी, उसके बाद प्रसाद बनाऊंगी, प्रसाद बनाने के बाद तब मैं पूजा करूँगी। ठीक है, तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। बाय बाय। हाय। अभी मैं अपना जो भी बनाना था, पूड़ी वगैरह, वो सब बना ली है, और मैं तैयार हो गई हूँ। मैंने कंघी कर ली, सिंदूर चुन ली, और अभी मैं लगाने जा रही हूँ। आपको दिखाती हूँ, कोई बर्तन नहीं, मुझे कोई बर्तन नहीं मिला, तो मैं इसमें रंग लगाने जा रही हूँ। रंग लगा लूँ उसके बाद में फिर मैं पूजा करूँगी। रंग लगाने के बाद ही हम पूजा करेंगे, हम और मतलब मैं और मेरी सास जेठानी दोनों लोग। हम सुहागिन जो होती है ना, वो कोई भी पूजा करे तो उस दिन तो ये रंग लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। हर मतलब सिंदूर बिंदी और रंग लगाना, चूड़ी पहनना, ये सारी हमारे संस्कार हैं, तो हमें ये सब करना चाहिए। तो मैं वैसे तो हमेशा नहीं लगाती हूँ, लेकिन हाँ कुछ अगर कोई त्यौहार है या कुछ भी है तो मैं इसे लगाती ज़रूर हूँ रंग। तो आज मैं लगा रही हूँ इसे। कुछ लोग आलता जो होता है ना, मार्केट में मिलता है, वो भी लगाते, लेकिन मेरे पास नहीं था, तो मैंने गांव से वो पूड़ी वाली जो आती है उसे लेके और घोल के तब मैं लगा रही हूँ। और मेरी काम कमरा की हालत ना बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि मैं मायके गई थी, मायके से जस्ट आई, तो उसके बाद ही मुझे अभी कमरा अपना साफ़ करना है। तो भी इधर उधर सा बहुत सारा सामान दिख रहा है, जो कि मेरे हस्बैंड ने इधर उधर बहुत सारा सामान फैलाया हुआ है। तो आप देख सकते हो ऐसे ही लगा लिया हो, और आप चाहो तो इसे बहुत अच्छी डिज़ाइन भी आप बना सकती हो इसमें, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में थी तो बस ऐसे ही बना लिया। और लेकिन बहुत अच्छा लगता है जब पैर में लग जाता है ना, बहुत अच्छा लगता है। आप ही लगाइएगा कभी, अगर नहीं लगाती हैं तो बहुत अच्छा दिखता है आपका पैर। मैं पूजा करने के लिए आ गई, तो मैं अब अकेले मतलब साथ में पूजा नहीं कर सकती थी, भाभी के साथ में, तो भाभी कर रही हैं, तो मैं सोच रही थी चलो मैं आपको दिखा दूँ, नहीं तो मैं जब बैठ जाऊँगी ना तो कोई रिकॉर्ड करने वाला नहीं होगा। और वैसे भी छठ में इतनी मतलब जगह नहीं थी जहाँ पे हम बनी हैं, तो भाभी बन अपना काम पूजा कर रही हैं और मैं दिखा रही हूँ आपको। ये देख सकते हो इस जो भी बताया था, तिन्नी के चावल और उसको वो दही मटन और महुआ, तो सब मिक्स करके सारे दोना में रख दिया है। और उसके बाद ये गौर बनाई गई है, और ये 6 पूड़ी अलग छठी मैया के लिए है, बाकी जो थाली में रखी है वो भाभी ने अपने बेटे के लिए रखी है, तो सिर्फ अंश हैं तो अंश के लिए रखी गई है 12 पूड़ी, और मेरे तो बाबू हैं तो मैं रखूँगी 24 पूड़ी, 24 उसके लिए और 6 पूड़ी छठी मैया के लिए। फूल अक्षत और सिंदूर सब चढ़ा दिया जाएगा। और ये जो छठी मैया बनती हैं, ये हर साल बनती हैं, लेकिन जब पहली बार तब ये स्थापना इसकी स्थापित होती हैं वहीं पे जब बाबू होता, तो पहली बार मेरी छठी तब मतलब बनी थी यहाँ पे पिछली बार। आपने अगर ब्लॉग नहीं देखा देख सकते हो, उसमें बनाया था मैंने, मतलब गांव के लोग आए थे उन्होंने बनाया था, तो देव बाबू की पहली छठी थी तब बनाई गई थी, और एक जब लक्ष बाबू हुए थे तब बनाई गई थी। तो जब भी अगर ऐसा कुछ होता है तब बनाई जाती है, तो मेरे घर में तब बन गई। अब इसमें हम सिर्फ हर साल वही जगह पे वैसे ही हम चढ़ा देंगे, मतलब सिंदूर से और क्या बोलते हैं काजल और गोबर,
इसमें भैंस का गोबर इस्तेमाल होता है, गाय का नहीं होता। तो भैंस के गोबर से ही लिपाई होती है और भैंस के गोबर से ही ये छठी मैया बनाई जाती हैं। तो इसमें आपने देखा तो पहले गोबर से बनाई गई हैं, उसके बाद सिंदूर से, फिर काजल से, और पूरे में डॉट डॉट डाल दिया गया है। बीच में तीन तीन, ऊपर तीन और नीचे तीन करके छः जगह जो है छठी मैया का तीन स्थान बना दिया गया है। तो भाभी आप देख सकते हो, भाभी सारा पूजा कर रही हैं जैसे करना चाहिए। तो मैं भूल जाती हूँ मुझे क्या क्या करना, तो मैं पहले देख लेती हूँ भाभी को, उसके बाद मैं करती हूँ, तो मैं भूलती नहीं हूँ। सबसे अच्छी बात मुझे इसमें क्या लगती है, अलग बात लगती है। आप लोग भी ज़रूर देखिएगा और बताना कमेंट में क्या आपके घर में भी ऐसा होता है, ये रिवाज है। यहाँ पे भाभी आप देख सकते हो खड़ी होगी, ये जो क्या बोलते हैं कुश, इसमें गट्ठी लगा देती हैं। तो जैसे एक लड़का है तो छठी मैया के नाम से छः गट्ठी लगेगी, तो इसमें छः गट्ठी भाभी लगाएंगी। और मुझे तो बहुत ज़्यादा लगाना पड़ रहा था, मुझे दो है तो मेरी तो मुझे 12 गट्ठी लगानी पड़ी थी, और एक हाथ से ही लगानी है। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, लेकिन आप शायद किसी ने दिखाया होगा आपको, इसीलिए मैंने कहा कि आज हम पूरा डिटेल दिखाते हैं आपको, डिटेल में दिखाएंगे तभी आपको समझ आएगा कि हमारे यहाँ कैसे होता है ये। तो छः गट्ठी भाभी ने लगा दी है। उसके बाद देख सकते हो देव बाबू की मस्ती, सब लोग खाना खा रहे थे, मतलब बच्चे खाना खा रहे थे, हम लोगों तो कुछ खाना नहीं था। देव बाबू को छाप लग गई और ये और इन्हें भी मैंने छाप लगा दिया है, तो इन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। सो गाइस, मेरा पूजा हो गया है और मैं अभी आपको दिखाती हूँ मैं क्या खा के पानी पीने वाली हूँ। तो ये जो होता है ना, ये है वो क्या बोलते हैं इसे, तिन्ने का चावल। हमारे गांव में कोई इसे, कुछ लोग इसे तिन्ने का चावल बोलते हैं, कुछ लोग पसाढ़ी का चावल बोलते हैं। तो आप सबको क्या पता है, आप जान जाओगे जो भी आपको मालूम हो, पसाढ़ी का चावल या तिन्ने का चावल। और इसमें दही मिक्स किया गया है, दही, पसाढ़ी का चावल और ये महुआ, ये तीनों इसमें मिक्स किया गया है। तो इसी को हम लोग चढ़ाते हैं छठ मैया को, और उसके बाद हम इसी से अपना व्रत तोड़ते हैं। तो हम इसे ही खाएंगे, जो प्रसाद चढ़ाया गया है उसी को हम खाएंगे उसके बाद। तो अभी मैं बना रही हूँ वही पसाढ़ी का चावल अपने लिए, और उसे दही और नमक डाल के वही हम खाएंगे। बाकी इसमें कुछ नहीं खाया जाता है, या फिर अगर द्वारे जैसे द्वार पर या खेत में किसी के अगर लगा हो, खेत में नहीं सॉरी द्वार पर लगा हो, या फिर घर में किसी के पेड़ लगा हो अमरूद का या किसी फल का, तो हम खा सकते हैं। बाकी मार्केट से कोई फल लेके नहीं खा सकते, तो हम ऐसा हमारे गांव में माना जाता है कि नहीं खा सकते। तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, 1 बज गए हैं। मैंने रात में मेकअप लुक किया था ना, तो अभी तक उसके जो काजल वगैरह है ना थोड़ा सा ज़्यादा लगा हुआ है। और फिर सुबह मैंने बस ऐसा थोड़ा बहुत अपना स्किन केयर कर लिया, उसके बाद अपना मंगलसूत्र पहन लिया है और हेयर रिंग पहन ली, बस हो गया, सिंदूर बिंदी लगा लिया, मेकअप हो गया कंप्लीट, जो कि नॉर्मल होता है मेरा। और उसके बाद पूजा कर लिया है। आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही होगी आपको, क्योंकि पंखा चल रहा है, बाबू सो रहा है, तो मैं पंखा नहीं बंद कर सकती, नहीं बिना बाबू उठ जाएगा और मेरा जो आगे का काम है वो नहीं हो पाएगा, इसीलिए। अभी शाम के बज रहे हैं 4, और मेरा जो भी काम था वो तो मैंने कर ही लिया था। आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, क्योंकि सुबह लिपना भी था, तो गोबर से जो लिपाई होती है ना वो भी करना था, और बहुत सारा काम था। अगर नॉर्मल एक जब मैं रहती हूँ सोमवार का व्रत रखती हूँ, तो उस दिन उतना काम नहीं होता है, मतलब होता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होता जितना कि इस तरह से कुछ अगर हो तब। जैसे कि आज उसमें बनाना होता है ना पूड़ी, तो सादी पूड़ी बनती है सिंपल सी, जो कि छठ पूजा में अगर आप लोग रहते होंगे तो आपको मालूम ही होगा कि कहीं कहीं का कुछ दूसरा रिवाज है। जैसे कि मेरे बगल में एक घर है, तो बैस हैं, मतलब ठाकुर ही हैं, लेकिन वो बैस ठाकुर हैं और हम लोग चंदेल ठाकुर हैं। तो हमारे चंदेल वंश में तो ये पूड़ी का सिस्टम है कि पूड़ी बनाई जाती है, और पूड़ी बना के और ये पसाढ़ी का चावल और महुआ और दही, ये तीनों चीज़ माता जी को चढ़ाया जाता है छठ मैया को। और यही जो होता है तिन्ने का चावल, मतलब पसाढ़ी का चावल, तिन्ने का चावल जो भी आप जानते हो, वही हम बना के खाते हैं नमक। और अगर बाहर द्वारे या फिर घर में कहीं मिर्च लगा हो, अगर मिर्च का पेड़ है
तो वही मिर्च खा सकते हैं, बाकी मार्केट से नहीं ला के खा सकते हैं और ना ही कोई फल मार्केट से ला के खा सकते हैं। सब बस यही गाँव में होता है ना कि बाहर कहीं दिख जाए, जब भी बाहर तो फिर खा सकते हैं, बाकी हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि हम नहीं खा सकते। खेत या जो होता है खेत के बगल में मेड़ वगैरह, हम आप सबको पता नहीं मेड़ पता है या नहीं, तो वहाँ पे नहीं जाना अलाउ नहीं है, हम लोग नहीं जा सकते आज के दिन, तो ऐसा ही कुछ होता है। और हाँ, सबसे मेन कि ये हल छठ व्रत हम रखते क्यों हैं, तो हम इसलिए रखते हैं कि इस दिन माता रानी से प्रार्थना करते हैं हमारे बच्चे को हमेशा स्वस्थ रखें, और ये व्रत वही कर सकती हैं, और जो जिनके बेटा हो बेटी वाली नहीं रखती हैं, तो ये थोड़ी सी मुझे अच्छा है, मतलब अच्छी बात नहीं लगती है, मुझे थोड़ी सी तकलीफ़ होती है इस बात से कि मतलब ऐसा क्यों होता है कि बेटा जिसके हो वही ये व्रत रख सकता है और बेटी हो तो नहीं रख सकता, ये कुछ समझ नहीं आता है। लेकिन क्या करें, जो नियम है जो चल आया है उसे तो हम बदल नहीं सकते हैं ना। और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, मैंने पंखा बंद करके तब आप लोगों से बात करना स्टार्ट किया है, बाहर इतना ज़्यादा बच्चे बोल रहे हैं, इतने ज़्यादा बहुत ज़्यादा, और मेरे मुँह में मक्खी आ गई, मेरे मुँह में ना छाले पड़े हैं, तो मुझे थोड़ी सी बोलने में तकलीफ भी हो रही है। ये सारी बात करनी थी आपसे, मतलब लड़का हो तभी हम व्रत रख सकें, लड़की हो तो ना रख सकें, ऐसा नहीं होना चाहिए, लड़की लड़का दोनों हो, बस संतान होनी चाहिए, भगवान की कृपा से संतान हो ये बड़ी बात है। तो मेरा मानना तो ये है कि लड़की और लड़का में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, मतलब माँ बाप की नज़र में तो नहीं होना चाहिए कि हम लड़की है तो हम व्रत नहीं रखेंगे, ऐसा वैसा पढ़ाएंगे नहीं, ये सोच बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। सच बताऊँ तो मेरे घर में ना सब लोग सोच रहे थे कि मेरा जब दूसरा बेबी होने वाला था तो सब लोग सोच रहे थे कि इस टाइम अच्छा होगा कि एक लड़की आ जाए, लेकिन क्या बताएं मेरी किस्मत ही अच्छी नहीं थी, मेरे दो बाबू हो गए लेकिन बच्ची नहीं आई, मुझे बच्चे की बहुत ज़्यादा कमी खलती है, क्योंकि होता है ना कि माँ की जो होती है वो बेटी सबसे ज़्यादा प्यारी होती है, बेटा जो होता है वो अपने पापा के लिए होता है ना कि मम्मी के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरी बेटी होती तो मुझे ज़्यादा खुशी होती उस टाइम पर, लेकिन ठीक है जो भी है भगवान ने दिया है ठीक है, बेटा और बेटी दोनों की खुशी होती है, लेकिन मेरी खुशी जो है वो थोड़ी सी अधूरी है क्योंकि मेरी बेटी नहीं है, और जेठाने की बेटी है, हम उसे कितना भी प्यार करें कितना भी चाहें लेकिन वो अपनी बेटी नहीं हो सकती। और ख़ासकर कुछ ऐसे घर होते हैं ना कि आप समझ सकते हो कि जहाँ पे कुछ भी करो कितना भी प्यार करो लेकिन अपना अपना ही होता है, पराया पराया ही होता है। तो मैं भले ही चाहूँ कि वो मेरी बेटी बन के रहे, उसे बहुत प्यार करती हूँ, जहाँ जो भी कुछ होता है मुझसे वो मैं उसके लिए करती हूँ, लेकिन वो नहीं आता, वो नज़र नहीं आता जो शायद वो मेरी बेटी होती तो मेरे साथ करती। अगर मेरी तबीयत ख़राब हो गई और मुझे एक गिलास पानी की ज़रूरत पड़ गई ना तो मेरी बेटी होती तो मुझे दौड़ के देती, लेकिन दूसरे के नहीं देती, तो कमी खलती है। पता नहीं किसने ये व्रत रखा सबसे पहले कि जो उन्होंने ये ज्ञान दिया कि नहीं जिसे बेटा हो वही रख सकता है, मुझे नहीं लगता, मुझे सही नहीं लगता। सो बहुत सारी बातें हो गई इस टॉपिक पर, सो मैं नहीं करूँगी बेटा बेटी कुछ भी हो ठीक है, नहीं तो बोलो बहुत लोग आ जाएंगे कमेंट बॉक्स में गाली देने मुझे, क्योंकि इस टाइम एक बार इस टॉपिक पे मैंने बहुत सारी बातें सुन ली थी यूट्यूब पर, तो अब मुझे नहीं सुननी वो सारी बातें। सो गाइस बातें बहुत सारी हो गई हैं, अब मैं चल रही हूँ अपने बाबू